द्वारा गुजरात के ऊना में चार दलित लोगों के साथ हुए अत्याचार के विरोध में प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, किस तरह से यहां पर विरोध का प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से यहां पे नारे लग रहे हैं, किस तरीके से यहां पर कुछ हो रहे हैं, हर जगह से कोने कोने से लोग इकट्ठे हो रखे हैं। लेकिन हर जगह से यहाँ पर चार दलित लोगों के हुए अत्याचार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, यहाँ पर जो असामाजिक तत्वों के लोगों ने यहाँ पर पथराव किया है, आप उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? इन्होंने, हमें तो इसका अंदाजा ही नहीं था कि इस तरीके का माहौल होगा। हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने पीछे से पूरी प्लानिंग से डंडे वंडे लेकर के और हम पर हमला किया। हमारे साथ ये बुजुर्ग आए हैं रामवीर जी, इनके हाथ में दो डंडे मारे हैं और इनके हाथ में स्वेलिंग आ रखी है। इन्होंने इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन को ख़राब करने की कोशिश की, जो हमारी आवाज़ थी उसको दबाने की कोशिश करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पथराव हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, पर इस तरीके से ये लोग हमारी आवाज़ बंद नहीं कर सकते। हम बाबा साहब के बच्चे हैं और हमेशा ऐसी आवाज़ उठाते रहेंगे। आइए मैं आपको कुछ और लोगों से मिलवाती हूँ। उमा गौतम जी, जो यहाँ पर असामाजिक तत्वों के लोगों ने यहाँ पर पथराव किया है, कुर्सियाँ फेंकी गई, आप उस तत्व के बारे में क्या? हम तो सब बैठे हुए थे, ये इधर से आए, वापसी गए, फिर हमारा आदमियों पर हमला किया। जब हम अपने प्रोग्राम हमारा चल रहा था तो उन्होंने लाठी उठाई और हमारा झंडा, हमारा कोई मारा, हम कुर्सियों पर बैठे जैसे खड़े हुए तो हमारे को कुर्सी मारी फेंक फेंक के, हमारे बच्चों के कईयों के चोट लग गए, एक का सर फट गया, सर में खून निकले हुए उस बच्चे के। लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, उन्होंने करा, जो भी दंगा करा उन लोगों ने करा, हमने नहीं किया। जो आज चंद्र बंदर पे यहाँ प्रदर्शन चल रहा है दलितों के अत्याचारों के खिलाफ, मैं जानना चाहूंगी यहाँ कुछ असामाजिक तत्व लोगों ने यहाँ पर कई महिलाएं, कई बच्चे, कई बूढ़ों पे कुर्सियाँ फेंकी हैं, पथराव किया है, आप बताएंगे वो लोग कौन थे, कहाँ से थे, क्या था उनका मकसद? हमारे पास एविडेंस है, ये देख लीजिए, और ये लग रहा है कि पूरी घटना सुनियोजित थी। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से लोग बातचीत करने आए थे और सबसे जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि जब यहाँ कार्यक्रम चल रहा था तो पुलिस ने उनको परमिशन क्यों दिया यहाँ पे आके प्रदर्शन करने के लिए, इसका मतलब उनको वहीं पीछे रोकना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर यहाँ आने दिया गया और वो बुरे मूड में थे हमला करने के, और बाकी सुनियोजित तरीके से उन्होंने हमला किया है, आके लाठियों से मारा है, कुर्सी से मारा है, और महिलाओं बच्चों सबको, कुछ लोगों के नाक और सर फूटे हुए हैं। तो ये एक तरह से जो उभार हो रहा है दलितों के खिलाफ, जो हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से उसके खिलाफ हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, उसकी एक बौखलाहट है, बौखलाहट है, और ये इस दमन से और इस हमले से हम लोग शांत नहीं रहने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि देश भर में इस तरह के हमले होंगे, और हमले जब जब दलित अपनी आवाज उठाएगा, अपनी बात रखेगा, जब आपसे आंख में आंख मिलाकर बात करेगा, तो आप इस तरह के हमले करेंगे। इसमें हम सरकार के नाक के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार के नाक के नीचे बैठे हुए हैं, सारे पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने क्यों उनको अनुमति दी यहाँ कार्यक्रम में आके हंगामा करने के लिए? हंगामा हो गया, मारपीट हो गया, तभी पुलिस खड़े होकर देख रही है और यहाँ पे पिटने दी दलितों को, तो ये इनकी सरकार की जो पूरी मंशा है, जो मनुवादी मंशा है, वो उनके ब्यूरोक्रेसी के द्वारा भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, उनकी नौकरशाही से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पुलिस अधिकारी और जिनके जितने इनके अधिकारी हैं वो आखिर सोचते क्या है। उनके हाथों में डंडे थे, उनके हाथों में बकायदा तलवारें खींची हुई थी, वो यहाँ आके मंच पे खड़े हुए, लेकिन पुलिस वाले तमाशा देखते रहे पीछे आए, लेकिन तब आए, पुलिस का आभार इस रूप में कि वो तब आए जब हमारे साथियों ने उनको फोन पर सूचना दी, वो तब आके यहाँ खड़े हुए, तब तक झगड़ा हो चुका था, हमारे कई साथियों को, हमारी महिलाओं को चोटें लग चुकी थी। ये इस बात को दिखाता है कि ये लोग नहीं चाहते कि हमारी आवाज उनकी सरकार तक पहुंचे, ये लोग नहीं चाहते कि दलित, अपनी बहुजन समाज के लोग अपनी मजबूती से आवाज उठाएं। उस आवाज को दबाने के लिए इन्होंने जानबूझकर प्री प्लान्ड यहां पर आके गुंडागर्दी की। ये गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी के नाम पे अगर ये चाहते हैं कि दलित बहुजन की आवाज को दबा सकते हैं तो वो गलत फहमी में है। ये मैं बता दूं कि हमारे साथी इतने शांतिपूर्ण यहाँ बैठे हुए आराम से अपनी बात कर रहे थे,
की थी, लेकिन वो चाहते थे कि ये लोग भी उसी तरीके से उनके ऊपर अटैक करें और हमारी आवाज जो संसद की गुंगी बहरी जो बनी हुई है उन तक ना पहुंच पाए। लेकिन साथियों ये मैं बता दूं कि हमारी एकता जिंदाबाद है, हम लोग एक हैं, और जय भीम का नारा सिर्फ यूं ही नहीं है, जय भीम का नारा एक करने के लिए है। अगर ये गुंगी बहरी सरकार ये सोचती है कि इस गुंडागर्दी के नाम पर इस दबाव से और जिस तरीके से वो टूट के पड़े उसके माध्यम से अगर ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और ऐसे ही हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं, तो ये गलतफहमी का शिकार है। आज बहुजन के पास सर भी बहुत है और बाजू भी बहुत है, है सर भी बहुत बाजू भी बहुत, बढ़ते ही चलो बढ़ते ही चलो। अब आज ये सम्मान की लड़ाई है, इन्होंने जो किया मैं ये बता दूं कि अगर इन्होंने गौ रक्षा के नाम पर इस तरीके से दलित बहुजन समाज के साथ गुंडागर्दी की तो अब नहीं चलेगी। आज दलित बहुजन सड़कों पर उतरेगा और उसका जवाब दलित बहुजन देना जानता है, और यहाँ भी ये पुलिस वाले भी जान ले कि अगर हमारे ये कार्यकर्ता हमारा हर एक भीम का सिपाही ये चाहता कि उसको जवाब दे तो हम लोग जवाब देने के लिए तैयार थे, बिल्कुल तैयार है। अगर यही गुंडागर्दी चलेगी, अगर यही इस तरीके से अत्याचार होगा तो दलित बहुजन के पास सरों की कमी नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि हम अपनी बात इस मंच के माध्यम से शांति स्वरूप बोध जी की अध्यक्षता के माध्यम से उस सरकार तक पहुंचाए कि ये जो तानाशाही रवैया है, ये जो मनुवादी जो संविधान लागू करने की कोशिश है, ये नहीं होगा। और न सिर्फ दिल्ली में, न सिर्फ गुजरात में, बल्कि भारत के हर एक कोने में ये आवाज गूंजेगी कि अब दलित बहुजन अत्याचार सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी जागृति को दे दी है कि कब कौन सी बातें आप कह रहे हैं और उसके पीछे छिपा हुआ मंतव्य क्या है, षड्यंत्र क्या है, ये हमको समझ में आने लगा। एक बहुत बड़ा आप लोगों ने रवीश कुमार का कार्यक्रम देखा होगा और उसमें दिखाई दिया कि कितनी बड़ी पूंजी एक लड़का जो चल रहा था रास्ते पर उसको बुलेट जैसी सपोर्टर साइकिल पर चलने का अवसर मिल गया। ये पूंजी उस व्यक्ति के पास ना रहे, केवल इसका ये षड्यंत्र है। हमें उस षड्यंत्र की क्या जरूरत है कि बाटा को चमड़े का व्यापार करना पड़ रहा है, क्या जरूरत है कि बड़े बड़े चमड़ों के व्यापारी, गोमांस के व्यापारी तथा कथित हिंदू हैं। हमें इस षड्यंत्र को समझना होगा और इस षड्यंत्र को केवल भावनाओं के माध्यम से कौन सी मनुस्मृति की बात करते हैं आप? वो मनुस्मृति जिसमें एक ही अपराध के लिए अलग अलग तरह के जातिवार वर्णवार अपराध दर्ज किए गए हैं। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और सौ धर्मों का एक धर्म बुद्ध बताने आया हूँ, और जिस धर्म ने नीच कहा उससे मुक्ति दिलाने आया हूँ, और भूल गए तुम जय गौरव वो याद दिलाने आया हूँ। बात भारत के धुआं है मनुवाद के जाने में, और बता दो कितना दम है भीम के इन बालों में, और बता दो कितना दम है भीम के इन बालों में। खड़ा मनुजा तेरी धरा पर, खड़ा मनुजा तेरी धरा पर आज तुझे धुतकार रहा, तेरा सब कुछ छीना जिसने वो देखो धप्पे मार रहा। ऐलाने जब शुरू हो गई अपने हाशी त्यागो, पाखंडियों से बाहर निकलो, रोहित का कर्ज चुका दो, रोहित का कर्ज चुका दो। बहुजन पार्लियामेंट के देने का मतलब है।
भ्रातृत्व और सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की कल्याणकारी विचारधारा को महत्व दिया जाए। इसलिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस तथा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित डॉक्टर अम्बेडकर वांग्मय जो काफ़ी दिन से उपलब्ध नहीं है, इस साहित्य को तुरंत उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को संवैधानिक एवं दंडात्मक अधिकार प्रदान किए जाए। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस दिशा में प्रधानमंत्री जी अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। अब साथियों, हम अपने उन विद्वान साथियों से, वक्ताओं से जिन्होंने अपने विचार व्यक्त करने थे, इस संघ परिवार की गुंडागर्दी के कारण अफरा तफरी में जो समय खराब हुआ उस कारण उनको नहीं दिया जा रहा है। आज के दिन समता बुद्ध विहार पर सम्यक महिला कैडर कैंप आयोजित था, वो भी हमने इस कार्यक्रम के लिए स्थगित किया था। उसकी भी योजना हम आपको शीघ्र ही बता देंगे कि वो कब आयोजित होगा, मगर बहुत जल्दी ही वो आयोजित होगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। और आज हमारी अस्मिता को जो चुनौती दी गई है, आपको हम यकीन दिलाते हैं और आप में हम भरोसा भी रखते हैं कि आप हमारा हर तरीके से साथ देंगे और इस गुंडागर्दी के राज को ज़्यादा चलने नहीं देंगे। ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। इस देश में फांसीवाद के लिए, गुंडागर्दी के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमारा आप सबसे कहना है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हुए संविधान की रक्षा के लिए, आज संविधान खतरे में है, आज आरक्षण खतरे में है, हमारी एक एक बहन बेटू की इज्जत आबरू खतरे में है, अगर उसे बचाना है तो ये नालायक अलग अलग तरह की राजनीति करने वाले भड़वे लोग नहीं बचाएंगे। इसको बचाएंगे तो हम बचाएंगे, हमारी राजनीति बचाएगी।